दोस्तों, फन के सुल्तान सुल्तान राही 80 के अशरे में पंजाबी फिल्मों के मारूफ हीरो रहे हैं और 800 से जायद फिल्मों में अदाकारी करके आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया, जिनमें से 500 फिल्मों में उन्होंने बतौर हीरो किरदार अदा किया था। सुल्तान मोहम्मद अलमारू सुल्तान राही 1938 को भारत के शहर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और क्याम-ए- पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज फिल्म बागी में एक मामूली से किरदार से किया था, लेकिन 1972 में रिलीज होने वाली फिल्म बशीरा की कामयाबी ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया। सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी फिल्म की कामयाबी की जमानत बन गई। इनकी फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए। इनकी दीगर कामयाब फिल्मों में साला साहब, चन वर्गा, उथरा पुत्र, मिलेगा जुल्म दा बदला, वैशी जट, शेर खान, शोले, आखिरी जंग, जरनैल सिंह, दो भीगे जमीन, शेरां दे पुत्र और दीगर काबिले जिक्र हैं। सुल्तान राही को ये एजाज भी हासिल है कि 12 अगस्त 1981 को उनकी 5 फिल्में शेर खान, जुल्म दा बदला, उथरा पुत्र, चनवरिया और साला साहब एक ही रोज रिलीज हुई थीं और इन फिल्मों ने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए थे। दोस्तों, सुल्तान राही ने 800 से जायद फिल्मों में काम किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सुल्तान राही का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। उनको 150 से जायद फिल्मी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका था। सुल्तान राही की मकबूल तरीन फिल्मी हीरोइन में आसिया, अंजुमन, साइमा, गोरी, नीली और बाबरा शरीफ काबिले जिक्र हैं। फन के सुल्तान को 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाला के करीब नामालूम डाकुओं ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। सुल्तान राही की अलमनाक मौत के बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बुरहान का शिकार हो गई। यहाँ ये बात भी काबिले जिक्र है कि मौत के वक्त भी सुल्तान राही की 54 फिल्में जेरे तकमील थी और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।